मैं मोहम्मद असलम देव एक्स काउंसलर म्युनिसिपल कमेटी किश्तवार से ताल्लुक रखता हूं। मैं मोजीन जोधमपुर पार्लियामानी हलका से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सभी उम्मीदवारों से कुछ गुजारिशा और कुछ सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक लाइन जरूरी अपनी जमीर की आवाज से बोलना चाहता हूं, वो यह है कि इलेक्शन मजहबी या कम्युनलिज्म पे मबनी नहीं होना चाहिए था, ये डेवलपमेंट पे मबनी होना चाहिए था। जिसने जो डेवलपमेंट की है या जो अपने मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट के बारे में वोटरान को मुतमईन करे, हमें चाहिए था कि उसको वोट दे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी इलेक्शन होता है कम्युनल बेसिस पे होता है, कम्युनिटी बेसिस पे होता है। बड़ी बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों के साथ। और आज भी वैसा ही खेल सभी लोग खेले जाने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले विक्रम आदित्य सिंह जी, जो कि एक शहजादा हैं और बाविकार बाकिरदार बाहसियत बाइज्जत खानदान डॉक्टर करण सिंह जी के बेटे हैं, मैं उनसे पहले ही एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि उन्होंने अपना सफर पीडीपी से शुरू किया, सियासी सफर, एमएलसी बने, किन वजूहात पे उन्होंने एमएलसीशिप से इस्तीफा दिया और किस बिना पे, क्या समझकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अगर कांग्रेस में आना था तो पहले ही जो इनकी अपनी पार्टी है जिसमें करण सिंह जी ने अपनी सारी उम्र सर्फ की है, आज वो बुजुर्गी में हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको एक चीज वाजह तौर क्लियर और डिक्लेयर करनी चाहिए, वो ये कि अगर विक्रम आदित्य सिंह जी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनको हम सेकुलर नाम से जानेंगे। अगर हमने इनको महाराजा की हैसियत से वोट देना है तो मैं इस सवाल का जवाब जरूरी चाहता हूं, चाहे वो अपने मैनिफेस्टो में दे, चाहे वो मीडिया या प्रेस के जरिए दे, कि जम्मू की अकलियत, जम्मू की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने में किसका रोल था, किन वजूहात पे वो अक्सरियत से अकलियत हो गया। अगर ये लोग बड़े लीडर हमारे जो हैं वो ये कहते हैं कि कम्युनल लोगों को हटाना है और सेकुलर लोगों को लाना है, वो हमको समझा दें कि इन चार पांच कैंडिडेटों में सेकुलर कौन है और कम्युनल कौन है। लोग सभी लोग ये जानना चाहते हैं, सभी बोलना नहीं चाहते, सभी बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन जिससे मुलाकात हुई हर एक का दिल ये सवाल करता है कि क्या है ये सेकुलर, क्या है कम्युनल, क्या है, इसका कम से कम एक जायजा लिया जाए। क्या बीजेपी को कम्युनल कहा जाए, क्या वो पार्टी कम्युनल है या उसमें जो लोग हैं वो कम्युनल है, इसका भी कम से कम जवाब मिले। अगर बीजेपी पार्टी कम्युनल है तो अजित शत्रु सिंह जी वहां क्यों है। अगर कांग्रेस सेकुलर है तो बीजेपी कम्युनल है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक टांग हम फंसाए रखें पीडीपी में, वो इकदार से हटें
तो कांग्रेस में आ जाएं, एक टांग को हम फंसाए रखें बीजेपी में, ये इंसाफ नहीं है। ये क्लियर हम ये चाहते हैं कि इस चीज को वाजह तौर क्लियर किया जाए। और करण सिंह जी जैसे महान हस्ती जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और महाराजा हरि सिंह जी के जिनका हम दिल से इज्जत करते हैं, हम उनसे ये क्लियर करवाना चाहते हैं कि इन दो में से अगर विक्रमादित्य सिंह जी सेकुलर हैं तो हम उनकी जानिब जाएंगे, अगर अजित शत्रु सिंह जी सेकुलर हैं तो फिर क्रिमिनल कौन है, कम से कम क्रिमिनल को डिक्लेयर किया जाए तो आम लोग जो हैं वो इसका अच्छी तरह से वोट का इस्तेमाल करें। रही डेवलपमेंट की बात, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, एक ऐसे ओहदे पे हमारे अरस्तवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से ताल्लुक रखते हैं, चिनाब वैली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इतने बड़े ओहदे पे रहकर 24 घंटे पीएमओ में रहकर उन्होंने डेवलपमेंट चिनाब वैली की डेवलपमेंट की तरफ से एक आंख उठाकर भी नहीं देखा। हमको झांसा दिया गया, लोगों ने झांसे में आकर हमारा एयरपोर्ट बनेगा, एक्सीडेंटों से बचेंगे, लेकिन नहीं बना। अस्पताल बने लेकिन डॉक्टर नहीं, पुंछ की रेलवे लाइन बनी लेकिन किश्तवाड़ तक सर्वे की हुई है, लाल सिंह जी के दौरान इसकी सर्वे की गई, फोर लाइन का हमारा जिक्र ही नहीं। किस बिना पर हम वोट दें, क्या करें, जाएं तो जाएं कहां, उनको कभी देखा नहीं, देखा झूठ नहीं बोलेंगे, टीवी पे हजार बार देखा, पीएम हाउस में देखा, बाहर घूमते देखा, लेकिन हमारे चिनाब वैली की तरफ उतना आना जाना नहीं रखा, देखा ही नहीं उनको अपने एमपी दौर में, डेवलपमेंट की बात करते ही नहीं देखा। किस बात के पे हम अब उनको दोबारा वोट दे, कम से कम जमीर तो है, सीधे साधे तो चिनाब वैली के लोग हैं लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है, उनको अपनी पॉलिसी वाजह करनी चाहिए कि अगर वो वोट मांगेंगे किस बिना पर मांगेंगे, क्या उनके सीडीएफ में से कितने करोड़ रुपए यहां लगे, कौन सी चीज बनी, किस बात के लिए उन्होंने लड़ा। हमारे चार प्रोजेक्ट जिसमें एक मुकम्मल है, 390 वाट बिजली हमारी यहां से बन के जा रही है रोज की, लेकिन हमें मरने के सिवा कुछ नहीं मिला, आए दिन हमको एक्सीडेंटों का सामना करना पड़ता है, फलानी जगह गाड़ी रुड़क गई रकीनाला में, कहां गई तो डैम में गिरी, कितने लोग मरे, जितने बस में थे सभी मरे, कब तक हमारे मरने का खेल आप खेलते रहोगे, क्या हमारा हक नहीं है फोर लाइन बने, हमारा हक नहीं है वाइलू सिंहपुरा टनल बने, जबकि उसकी डीपीआर मुकम्मल है, जबकि वहां टनल प्वाइंट तक सड़क मैग्नमाइज है, सुरुड़ी साहब ने उसका सारा काम किया हुआ है, हमने कभी अपने एमपी से सुना ही नहीं कि ये बड़े काम हैं ये कर लो, आज दोबारा वोट क्यों वोट दें, वाजे करें अपनी पॉलिसी को, वाजे करें, हमें किसी से जिद नहीं, वल्लाह जिद किसी से नहीं, लेकिन दिल जलता है। इस बार सर्दी का थोड़ा ज्यादा कोहराम रहा, चार महीने